इकोलॉजिकल एफिशियंज फर्स्ट अकेंट्स डेफिनेशन ऑफ एकोलॉजिकल एफिशियंज एंड द एफिशंसीज ऑफ एनिमल प्रजेंट इन एन इकोसिस्टम एकोलॉजिकल एफिशियज स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सिंपली डिफाइन करते हैं एफिशियंसी किसे कहते हैं एफिशिय बेसिकली किसी भी मशीन की या किसी भी ऑर्गनिजम के मतलब जब हम बात करते हैं तो एफिशियंसी मीन्स वो कितना इनपुट ले रही है और उसका आगे कितना आउटपुट जो है वो या आगे उसका जो है वो कन्वर्जन रेट कितना है सिंपली अगर कोई हमारे पास एक मशीन है या एक ऑर्गेज़म है जिसका इनपुट सपोज हंड्रेड है लेकिन जो उससे आगे नया मटेरियल सेंथिसाइज़ हो रहा है या जिसको आउटपुट है इफ़ दैट इज़ नाइन्टी या एटी तो हम क्या कहेंगे कि ये मशीन जो है वो एटी परसेंट या नाइन्टी परसेंट एफिशेंसी के साथ वर्क कर रही है नेचर के अंदर कोई मशीन ऐसी नहीं है जो हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी के साथ वर्क करती हो क्योंकि हमेशा उसके अंदर जो है वो आउटपुट की उसकी रीज़न ये होती है इको मशीन कभी हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं होती अगर हम मैकेिकल की बात करते हैं तो जैसे हीट की फॉर्म में या बाकी फॉर्म्स में जो होती हैं वो कुछ ना कुछ जो होती है वो एनर्जी या इनपुट जो होता है वो ज़ाया होता रहता है सो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ एनिमल्स अब एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं या ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इको सिस्टम के अंदर ऑर्गेज्म डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर पाए जाते हैं एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर पाए जाने ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से न्यूट्रिशन ले रहा होता है सो so, किसी भी एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है से मुराद यह है कि वो उसने कितना फूड इनटेक किया है और उसके बाद उसमें से कितना उसने जो है वो नया बायोमैस बनाने के लिए यूटिलाइज किया है मीन्स इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज एक्चुअली द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट द फूड टेकन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल एंड कन्वर्जन इट इट इनटू द न्यू बायोमैस कि क्योंकि कितनी उसने जो है न्यू बायोमैस जो वो सेंतीिसाइज़ की है जैसे सिंपल अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ तो जैसे एक कार्निवोर है एक अगर लाइन जो है वो एक डियर को खा रहा है अगर सपोज वो टेन किलोग्राम फ्लैश खा रहा है अगर वो लाइन टेन किलोग्राम फ्लैश खाने के बाद उस लाइन के वेट के अंदर या उसका जो बायोमैस है अगर वो टेन किलोग्राम बढ़ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि लाइन की हंड्रेड परसेंट एफिशंसी है तो यानी जो उसने फूड खाया है उस फूड से उसने अपना कितना बायोमैस बनाया है उसका अपना वेट कितना गेन हुआ है दैट विल बी इट्स इकोलॉजिकल एफिशिएंसी सो नेचर के अंदर जो एनिमल्स हैं जो ऑर्गनिज्म हैं हमने किसी की भी कभी भी हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी नहीं होती है क्योंकि बहुत सारा जो फूड इन मटीरियल होता है वो एनवायरमेंट पर लॉस होता है सो इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स एनिमल्स में अगर हर्बीवोर्स हैं और कार्निवोर्स हैं हरबी वोल्स जो फूड लेते हैं दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ ग्रासेस प्लांट मटेरियल्स अब ये ग्रासेस और प्लांट मटेरियल अगर हम देखें तो हरबी वोल्स बहुत सारा मटेरियल इनटेक करते हैं जितना वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सारे का सारा नया बायोमैस कन्वर्ट जो है बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है अगर हमसे बात करें एक प्रफ़र्स करें या सपोज एक जो एनिमल है इट्स इन टेकिंग फाइव किलोग्राम ग्रासेज फाइव किलोग्राम ग्रासेस जो है वो इनटेक कर रहा है नंबर वन वो सारे के सारे ग्रासेस जो है जो प्लांट मटेरियल है वो उसकी बॉडी में सिमिलेट नहीं होगा एब्जॉर्ब नहीं होगा वो सारा जस्ट गट में से पास ऑन कर जाएगा अनडाइजेस्टेड फॉर्म में गुजर जाएगा सेकेंड वन अब जो एब्जॉर्ब हुआ है एब्जॉर्ब होने वाला जो न्यूट्रिस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे न्यू बायोमैस नहीं बनाएंगे क्योंकि उस एनिमल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं सेल मशीनरी सेलुलर मशीनरीज हैं वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको रिपेयर होने के लिए जो वो एनर्जी चाहिए होगी तो ये जो न्यूट्रिशन उसने इनटेक की है फूड इनटेक किया है वो सारा फूड वो होगा जो उसकी क्या करेगा उसको रिपेयर में यूटिलाइज हो जाएगा वो सारा फूड वो होगा जो उसके बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में यूज़ हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज़ हो जाएगा और उसके बाद जो बाक़ी बच जाएगा उससे आगे क्या होगा न्यू बायोमास जो वो सेंथिसाइज होगा तो इट मीन्स जितना कोई एनिमल इनटेक करता है मटेरियल वो सारे का सारा न्यू बायोमैस कन्वर्ट उसमें कन्वर्ट नहीं करता बल्कि उस इनटेक मटीरियल में से बहुत सारा वो होगा जो उसके सेलुलर रिपेयर में यूज़ हो जाएगा बहुत सारा वो होगा जो हीट की फार्म में एनिमल को रिक्वायर होगा क्योंकि उसे उसने बॉडी के टेम्परेचर और बाकी एफ वर्क जो है वो करने एनर्जी की फार्म में उसको जो कन्वर्ट कर दिया जाता है सो so, तो एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा जिसको से आगे क्या किया जाएगा कि न्यू बायोमैस जो है वो सेंथिसाइज जो वो किया जाएगा अगर हम ओवरऑल बात करें एको के अंदर तो इकोलॉजिकल एफिशेंसी जो है एट एन एवरेज दे आर टेन परसेंट यानि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर न्यूट्रिशन मूव करती है या इनटेक की जाती है तो उसमें जो कन्वर्जन ऑफ बायोमास का रेट होगा वो कितना होगा टेन परसेंट होगा दिस इज एवरेज यानी एक ट्रॉफिक लेवल से अगर हंड्रेड किलोग्राम मटीरियल जो है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर मूव कर रहा है तो हंड्रेड में से टेन किलोग्राम जो है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाकर नए बायोमास में कन्वर्ट होगा जबकि नाइन्टी परसेंट जो होता है वो क्या होगा इट विल बी वेस्टेड आर यूटिलाइज अब हम बात करते क्या दिस एवरेज ये एवरेज है आमतौर पर देखा गया है कि जो हरबी वोर्स हैं यानी कि लार्ज हरबी वोर्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल यूज करते हैं देर एफिशिएंसी है वेरी लो उनकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लो है जबकि जो कार्नी वोर्स हैं उनकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज़्यादातर जो होती हैं वो हाई होती हैं जो वो ग्रेटर इकोलॉजिकल एफिशियज हैं जिसमें अगर हम एट एन एवरेज देखें सम ऑफ दिवोर्स दे हैवकोलॉजिकल एफिशियंसी ऑफ ऑनली वन परसेंट कि यानी अगर वो हंड्रेड किलोग्राम प्लांट मेटीरियल इंटेक कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ उनका अपना जो बॉडी मैस जो इंक्रीज़ होगा दैट विल भी वन किलोग्राम यानी कि उसके जो फ्लैश बनेगा उसका या बायो मैस इंक्रीज होगा वो वन किलोग्राम होगा दैट विल भी वन परसेंट कार्निवर्स दे हैव वेटरिकोलॉजिकल एफिशियंज कार्निवर्स के अंदर कॉलोजिकल एफिशेंसी देखते हैं बैटरिकोलॉजिकल एफिशियंसीज हैं क्योंकि क्योंकिवोर्स होते हैं दे आर यूजिंग द फ्लैश वो जो है वो हर्बीवर्स का फ्लैश यूज करेंगे अब इसमें से जो एंड्रोथर्म कार्निवर्स हैं उनकी निसबत जो एक्ट्रोथर्म कार्स हैं दे हैव बेटर इकोलॉजिकल एफिशियंज एक्ट्रोथर्म्स ने चूंकि जो फूड इनटेक किया उसको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज नहीं करना है सो देर इकोलॉजिकल एफिशियंज आर हायर उनके इकोलॉजिकल एफिशिय हायर हैं इवन अप टू 37% ecological efficiencies Java reported hai in some uh, ectotherm uh, carnivores.